खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा में वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करने वाला डिस्प्ले का लोकार्पण किया गया। यह एलईडी डिस्प्ले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश पर संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की ओर से लगाया गया है। इस डिस्प्ले के जरिए अब शहर के लोगों को अपने आसपास के वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य में शहर की सारी योजनाएँ बनाई जाएंगी। खंडवा में संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की ओर से शहर के बीचों बीच नगर निगम चौराहे पर वायु प्रदूषण एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने इसका लोकार्पण किया। एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाने के बारे में सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि वायुमंडल में कितनी अशुद्धियाँ हैं इस डिस्प्ले बोर्ड से पता चल जाएगा। साथ ही यह आंकड़े दिल्ली, भोपाल और इंदौर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों को भी जाएंगे। इसे शहर के दूषित वायुमंडल के बारे में भी पता चलेगा और भविष्य में बनने वाली कार्य योजनाएं भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय की जाएगी। खंडवा के जनप्रतिनिधियों ने भी इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वायुमंडल से व्याप्त प्रदूषण को देखने से शहरवासी भी जागरूक होंगे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने की दिशा में प्रेरित होंगे। शहर में पर्यावरण में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, अर्थात हमारा वायुमंडल स्वच्छ है कि नहीं है, इसकी जानकारी हमारे शहर में इस प्रकार का कोई मापक यंत्र नहीं था। हम बड़े शहरों में ये देखते थे। आज हमारे शहर में संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के सहयोग से आज हमने नगर निगम के हमारे इस चौराहे पर इसका लोकार्पण करा। इसको देखकर हमारा शहर का प्रत्येक शहरवासी हमारे शहर के पर्यावरण से जानकारी प्राप्त कर लेगा कि हमारे शहर के पर्यावरण की क्या स्थिति है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सजग होगा। एक्चुअल में क्या है कि हमने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देश में और जो NGT और जो CPCB है उसके दिशा निर्देश में हमने ये सारा काम कर रहे हैं। CPCB की गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारा CAAQMS सिस्टम, कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या करेगा, ये आसपास के जितने भी वायु में जो प्रदूषण वगैरह होता है उस प्रदूषण को ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने एनालाइजर से वो सिस्टम में लेगा और सिस्टम से हमने यहाँ पे LED डिस्प्ले लगाया हुआ है ताकि ये जो भी खंडवासी शहरवासी है वो इसको देख सके, क्योंकि जो भी अपन पैरामीटर एसेस करेंगे उस पैरामीटर को एसेस करने के बाद ये पैरामीटर दिल्ली, भोपाल, इंदौर में जाएंगे और उसके हिसाब से एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे कि खंडवा में प्रदूषण की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनेंगे और खंडवा शहर को क्लीन कैसे करें उसके हिसाब से ये चीज़ें होंगी, एक्टिविटी होंगी यहाँ।